कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती, कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती, खांटी घरेलू औरत। उसका दिन कतर ब्योंद में ही बीत जाता है और रात उधेड़ बुन में। बची दाल के मैं परांठे बना ली, खट्टे दही की कड़ी। सोनू दुलरवा अभी रो के सोया है, उसको दिलानी है पुस्तक। कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो चलो आज तोड़ूं गुल्लक को। नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से सीजन 4, ये हमारा सीजन 4 है, शख्सियत कुछ दिल से। और शख्सियत कुछ दिल से आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, जिनकी लिखी हुई बहुत सी खूबसूरत कविताओं में से एक कविता अभी अभी मैंने पढ़ी। बहुत ही खास शख्सियत, साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। शी इज एमिनेंट ऑथर, पॉइट, नाटककार, शी इज एविड एडुकेशनिस्ट। बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानों से उनको नवाजा गया है, बहुत सारे। और हम वी रियली फील प्रिविलेज कि आज वो हमारे साथ इस शो में है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार हमारे शो में ममता कालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से नमस्कार। शुक्रिया मुझे जी। भी बहुत खुशी हो रही है आकर दी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जितने भी यंग जनरेशन है जो लेखन के क्षेत्र से जुड़ी है, खास तौर पर चाहे वो युवतियां हों, लड़के हों, लड़कियां हों, वो सभी आपसे इंस्पायर्ड हैं, सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि लेखन के बीज जो कहते हैं ना, वो आपने कहाँ से पढ़े और किस उम्र में आपने अपना पहला लेख लिखा? काजल, ऐसा है कि मेरे लेखन के स्रोत लगभग वही हैं जो इस समय आपके हैं, क्योंकि मैंने आकाशवाणी से बहुत सीखा। मेरे पिता जी आकाशवाणी में थे और जी आकाशवाणी में उस समय चोटी के लेखक, कलाकार, संगीतकार और गायक कलाकार आया करते जी थे। अच्छा, फिर मेरे पिता क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान थे तो घर में जी कतार की कतार किताबें थी। तो एक तरफ मैं किताबें पढ़ती थी, थोड़ी बहुत समझ आती थी, थोड़ी नहीं समझ आती थी, वो मैं अनुमान लगाया करती थी कि टॉल्स्टॉय की इस कहानी का क्या मतलब है, पुश्किन की इस लंबी कहानी का क्या मतलब है। इसी तरह से रेडियो सुनते हुए कई बार कभी होता था कि जयनेत्र कुमार की कहानी सुन गए, कभी होता था कि विष्णु प्रभाकर का नाटक देख लिया हमने, सुन लिया। तो लेखन का मेरी चारों तरफ किताबों का वर्चस्व था और हमारे घर में सबसे ज्यादा इज्जत किताब और लेखक की थी। तो हमारे घर में गोष्ठियां होती रहती थी आए दिन। हम पूछा पाती राम में रहते थे और पापा कोई ना कोई पकड़ के ले आते थे अपने साथ साहित्यकार शाम के समय। और उस समय रेडियो का वातावरण बड़ा जीवंत होता था। रेडियो में लोग आते थे, रेडियो में अपना गर्व समझते थे रचना सुनाना, और रेडियो के अधिकारी भी उनसे बहुत प्रेम से बात करते थे क्योंकि वो भी बड़े ज्ञाता होते थे। ऐसा नहीं जी था कि वो केवल सरकारी कर्मचारी हैं या अफसर हैं, वो अनुराग रखते थे, कार्यक्रम जी के बारे में वो सुझाव देते थे। तो मैं ही कहूंगी कि मेरी शिक्षा और मेरे लेखन के बीज मुझे रेडियो से और अपने पिता से मिले, और मेरे आचारों और जो किताबें थी उस माहौल ने मुझे बहुत सिखाया। और देखिए, कई बार कभी नरेन शर्मा का गीत हम सुन रहे, फिर नरेन शर्मा से मिल रहे हैं क्या बात, आकाशवाणी में। तो ये एक डबल थ्रिल होता था कि जिसे हमने सुना उसको आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जयनेत वाह कुमार का जब देखा तभी यही हुआ, करे नन्हे से कद के, धीमे धीमे बोलने वाले, महात्मा गांधी की तरह उनकी आवाज से सीटी निकलती थी जब वो बोलते थे। तो बड़ा थ्रिल होता था हम लोग को, अरे हम जयनेत कुमार से मिल रहे और वो पापा के दोस्त थे। तो ये चीजें कभी भूलने वाली नहीं है। एक एक को, और हम उस समय एक बड़ा भारी कवि सम्मेलन होता था, मेरा ख्याल है 26 जनवरी के आसपास, 25 को या 24 को एक कवि सम्मेलन होता था लाल किले के पास मैदान में। अब देखिए, उस समय ना टीवी था, ना इंटरनेट था, और ना फोन के व्हाट्सएप थे। तो हमारे माता पिता हमको मनोरंजन के लिए या कविता सुनवाने के लिए हमको उस कवि सम्मेलन में बैठा देते थे ले जाके। तो वहां जाकर
हमने बच्चन जी को भी सुना, देव जी को भी सुना, दिनकर को भी सुना, नवीन जी को भी सुना, तो हमने बड़े बड़े लेखकों को, कवियों को हमने उस समय देखा। जैसे कभी हमें वो महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में ले जाते थे पापा, तो हम प्रार्थना सभा में जाते थे तो हम लोग को रट गया था उसी समय वैष्णव जन तो तैरने के लिए ये पेड़ पर आई जाने हैं। तो ये हमारी बचपन के मनोरंजन थे और ये हमारी बचपन के माहौल था हमारा चारों ओर। फिर मेरे परिवार में मेरे चाचा भारत भूषण अग्रवाल, वो भी आकाशवाणी में थे और वो भी लेखक थे, वो कवि थे बहुत अच्छे, तो वो अपनी कविताएं सुनाते थे। उस जमाने में सस्वर कविता पढ़ने का रिवाज था। अच्छा, सस्वर कविता जो होती थी वो तुरंत याद हो जाती थी। जैसे जयशंकर प्रसाद मुझे आज तक याद है, दिनकर मुझे आज तक याद है, निराला की कविताओं की गेयता हमको नहीं भूलती। तो ये सारी चीजें मिलकर मुझे लगता है एक मानस तैयार करती है। और तब आपको लगता है कि अगर जीवन में नंबर पाने हैं तो हमको इसी क्षेत्र में रहना है। तो मैंने अपनी लाइन, जिसे कहना चाहिए कि अपना मिशन, अपना ध्येय बहुत पहले शुरू तय कर लिया था कि मुझे बनना तो लेखक ही है। तो कैसी लेखक बनी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने शायद, मेरे ख्याल है, बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। 13-14 साल की थी तो बच्चों की कहानियां लिखी, और जब 16 साल की हुई तो फिर कविताएं लिखने लगी मैं। तो लगातार लेखन से जुड़ी रही और पढ़ा बहुत। पढ़ने में ये होता था कि हमें इतना रस मिलता था पढ़ने से, ऐसा लगता था कि जैसे हमने कोई खजाना पा लिया है। भवानी प्रसाद मिश्र क्या जिस स्टाइल से अपनी कविता पढ़ते थे, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, और जो वो पॉज देते थे, जो पॉज देते थे बीच में, और वो कमाल का था। वो लाइव प्रोग्राम का जमाना था, सचल कवि सम्मेलन होते थे सवाल, उस समय उनको सुनना और उनके उस स्टाइल को देखना, या पृथ्वीराज कपूर के नाटक में जाकर जब पृथ्वीराज कपूर अंत में अपनी झोली फैला के चंदा लेते थे पब्लिक से, और वो एक बार सिर ऊंचा करते थे उसके बाद झुका लेते थे, अब वो अदाए हमें नहीं बोलती। ये सारी जो बातें हैं ये आज भी मेरे अंदर एक बहुत बड़े खजाने की तरह है। इन बातों को कभी मैं भूल नहीं सकती। अब मैं आज भी अपने को कहीं बहुत दौलतमंद पाती इन बातों के कारण, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी विरासत का हिस्सा है और ये मुझे लगातार लिखने के लिए प्रेरित करता है ये सब। क्योंकि ठीक है, हमने डॉलर नहीं कमाए, हमने कोई बहुत बड़ी धन दौलत नहीं कमाई, लेकिन हमारे पास जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं हैं, पाठकों की जो मोहब्बत है हमारे साथ, और जो हमारा संतोष है अंदर, जो खुशी है, वो अच्छी है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जिस तरह से हम कहते हैं ना, हमारे ऑडियंस थिएटर में हम लोग कहते हैं कि हमारे ऑडियंस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। आपने कितना खूबसूरत कहा कि पाठकों का प्यार ही सबसे बड़ी बात होती है, बहुत खूबसूरत। तो जो पृथ्वीराज कपूर जी की आपने बात कही, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। तो आपने जी, यहाँ मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। आपने कविताएं, कहानियां, नॉवल, आत्मकथा, नाटक भी आपने लिखे, नॉवल भी आपने लिखे, साहित्य की ऑलमोस्ट सभी विधाओं में आपने लिखा। कौन सी ऐसी साहित्य की विधा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक स्टेज पर आकर। जैसे मैं जानती हूँ कि मेरा मन कविता लिखने में बहुत रमता था जी। वो ठीक है कि बीच में एक अकविता का दौर आया जब कविता बहुत भीषण हो गई, थोड़ी जघन्य भी हो गई। वो दौर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं कविता से वॉकआउट कर गई जी। नहीं तो मैं कविता में बनी रहती अगर कविता में इतनी भयानकता ना आती, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि कविता सौंदर्य की, प्रेम की और मस्ती की चीज है जी। ये विधा, इसके अंदर आप हेटरेट डाल दे, नफरत डाल दे, तो फिर ये कविता नहीं है। कृति को कृति रहने रखो, कृति को विकृति क्यों बनाते हैं आप, ये मुझे लगता था। इसलिए मैंने सन 64 में
कभी कविता लिखने के बाद घबरा कर कविता लिखना बंद कर दिया और फिर मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। कहानी पहले लिखती थी लेकिन गाहे बगाहे लिखती थी, लेकिन जब मैंने कविता से अपना मुंह मोड़ लिया तब मैंने कहानियां लिखनी शुरू की। और देखो काजल, ऐसा है कि कहानी में अपनी बात कहना शायद ज्यादा आसान होता है, क्योंकि कहानी आपको ज्यादा स्पेस देती है जी। हम अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं, जो तो नॉवेल में सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि उसमें बड़ा एक गड्ढा है। नॉवेल में यह है, कई बार लेखक अनर्गल लिखने लगते हैं। एक जमाना था मोटे मोटे उपन्यासों का, वो बांग्ला उपन्यासों से हम लोगों के अंदर ये परंपरा आई थी कि मोटा मोटा उपन्यास लिखो, जो पढ़ो तो महीना भर तक पढ़ते रह जाओ और पाठक में खुश और लेखक में खुश। तो वो परंपरा में हमारे अभी खूब मोटे मोटे उपन्यास लिखे गए, उसमें बाकायदा पेड़ बनाकर एक बताते थे फैमिली ट्री कि इसका बेटा ये है, इसका पिता ये है, इसका चाचा ये है। अब हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो चाहे उपन्यास हो या कहानी, हमने कोशिश ये की कि उसका कलेवर छोटा रखे, ऐसा रखे जो दिमाग की दीवार पर चस्पा हो जाए। आपको उसके लिए कागज पेंसिल लेकर ट्री ना बनाना पड़े, है ना। तो मैं ये मानती हूँ कि कहानी लिखना शायद एक रचनात्मक लेखक के लिए सबसे ज्यादा संतोष देने वाला काम है, क्योंकि आप अपनी बात को 8-10 पृष्ठों में पूरी कह देते हैं जो आप कहना चाहते हैं। और कहानी को ऐसा है कि बहुत बोझिल नहीं बनाना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ कई बार कहानी में लोग इतना तकनीक डाल देते हैं कि आप तकनीक को ही समझते रह जाते हैं और थीम तक नहीं पहुंचते, और वो भूल जाते हैं कि आज तक अगर जो कहानियां जीवित रह गई हैं, तो सबसे बड़ी कहानी तो गुलेरी जी की है, उसमें प्रेम और त्याग, उसने कहा था युद्ध प्रेम और त्याग सारा कुछ उसमें आ जाता है, उसने कहा था। मैं हम उस कहानी में देखिए कि बचपन में बच्चा 12 साल का है, उसके बाद वो लड़ाई में जाता है, जाहिर है 40 साल का होगा उस समय तक। इतने बड़े पीरियड को उन्होंने 5-6 पन्नों में कवर कर दिया, और हमें कहीं से भी अविश्वसनीय नहीं लगता है। ऐसा थोड़ी लगता कि हम यकीन नहीं करेंगे, हम वाकई यकीन करते हैं कि लहना सिंह बड़ा हो गया, सूबेदारनी उसको मिली, सूबेदारनी का बड़ा बेटा उसके साथ फौज पर है, पोर्चे पर, और ये सारी चीजें हमें विश्वसनीय लगती है। तो कहानी की जो रेंज है और जो विश्वसनीयता है, और कहानी में जो अपनी बात को थोड़े में कहकर और बात को क्लोज कर देना है, आप समापन कर देना है, जिससे पाठक भी संतुष्ट है और लिखने वाला भी संतुष्ट है, ये चीज, ये सामर्थ्य कहानी के अंदर बहुत है। संस्मरण थोड़ा लंबा खिंच जाता है, आपकी याद है, याद का धागा एक बार खुलने लगा तो ऊन के गोले की तरह खुलता चला जाता है, खुलता चला जाता है, वो रिबन की तरह खुलता चला जाता है। लेकिन कहानी में एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन के अंतर्गत हम पाते हैं कि कहानी हमारी एक माकूल समय में सही समय पर खत्म हो जाती है। हाँ, नॉवेल में थोड़ा स्पेस लेते, लेकिन आजकल बहुत अच्छी बात यह है, आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो लिख रहे हैं नॉवेल्स, वो 150-200 पन्ने में अपनी बात कह देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जमाने गए जब झोले जैसे, बोरे जैसे मोटे मोटे नॉवेल होते थे, उनको पढ़ना उतनी फुर्सत आज नहीं है। आज तो आप अपने पर्स में किताब रखते हैं, मेट्रो में पढ़ने लगते हैं, आप अपने ऑफिस में भी जब थोड़ा सा बीच में पॉज आता है आप पढ़ने लगते हैं। तो आप बहुत बड़ी रचना की, विशालकाय रचना की ना तो फुर्सत है, ना तो जीवन फुर्सत देता है और ना आंखें फुर्सत देती है। तो मैं समझती हूँ कि आज जमाना है, आज सब चीज को जरा जल्दी जल्दी होना चाहिए। जिसे रेडियो में आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते अपने श्रोता का, आप इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बीटिंग अबाउट द बुश ये नहीं होता जरा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये रेडियो से सभी को सीखनी चाहिए कि कहीं अनर्गल नहीं बोला जाता उसमें,
और जो अनर्गल बोलेगा वो आउट हो जाएगा। और साहित्य में भी इस एडिटिंग की बहुत जरूरत है। इस तरह की एडिटिंग आप खुद अपने अंदर करते हैं संपादन, आप जानते हैं जो गैर जरूरी है क्यों तो बकवास करे जा रहे भाई, क्यों तो लिखे जा रहे, चाय भी खराब कर रहे हो, समय भी खराब कर रहे हो और पढ़ने वाले का भी समय खराब होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि रचनाओं को छोटा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए उसमें। और ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा इसकी कमी है, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा हिंदी में भी अनुशासन और आए, काफी अनुशासन आया पहले से, पहले वाले मोटे मोटे उपन्यासों से मुक्ति मिल गई हम लोगों को, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और डिसिप्लिन आए तो हमारे यहाँ और ज्यादा करारी रचनाएं यहाँ सामने आए, क्रिस्प है ना, एकदम कुरकुरी करारी, एकदम ऐसी जो आप पढ़िए तो अंदर तक आपके उतर जाए बात, जब बात निकले तो दूर तलक जाए, वही खत्म। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने नाटक भी लिखा है, मैं उसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगी। और आपसे ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अगर हम महिला नाटककारों की बात करें तो बहुत कम है पुरुषों के मुकाबले, ऐसा क्यों है, क्या कहेंगी आप इस बारे में? मुझे लगता है काजल, आप तो दोनों विधाओं से संबद्ध हैं, कि नाटक या एकांकी शायद ज्यादा अनुशासन मांगती है, अनुशासन मांगती है। जैसे कहानी या उपन्यास में न जाने कितने हम चरित्र खड़े कर देते हैं, पात्र सबके साथ न्याय नहीं होता, फिर भी हम खड़े कर जा रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और नाटक में एक सीमा होती है, अगर वो मंचित होने जा रहा है तब भी, अगर वो प्रसारित होने जा रहा है तब भी। तो नाटक में एक अनुशासन है, प्लस नाटक में आज भी आप बिना क्लाइमैक्स के किसी नाटक की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसमें क्लाइमैक्स भी आएगा, उसमें कैथार्सिस भी आएगा, उसमें डेनुमेंट भी आएगा। और जब ये सब चीजें आएंगी उसी समय इस समझिए कि विधा का पूरा जस्टिफिकेशन होगा। तो शायद कुछ एक संकोच है लोगों का, महिलाओं का, कि नाटक लिखे हैं लेकिन बहुत कम लिखे गए हैं। मैं समझती हूँ इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा, कुछ नाटक के मंचन की भी समस्या है, मेरे भी एकांकी में लिखने थोड़े बंद इसीलिए कर दिए बाद में, क्योंकि वो सब छप तो सब गए और उनकी पुस्तक भी आ गई और वो पाठ्यक्रम में भी लगी। लेकिन वंचित होना ना कठिन काम है, क्योंकि रंगमंच एक अलग विधा है। मेरी कई कहानियों को देवेंद्र राज अंकुर ने वंचित किया था कहानी का रंगमंच में, कहानियों का रंगमंच, जी बिल्कुल अच्छा लगा था देख के, ऐसा लगा कि मेरे पात्र सजीव हो गए। लेकिन एकांकी मेरा इस तरह से कभी वंचित नहीं हुआ, पहले में फिर छोड़ दिया, क्योंकि सारी विधाओं को लेकर चलना बड़ा जटिल काम है, क्योंकि लेखक भी नहीं संभाल सकता इतनी चीजें, है ना, और वो कुछ चीजें पीछे छूट जाती है। अब थोड़ा जमाना आ गया संस्मरण का, कथेतर साहित्य का आ गया। अभी सुखनंदन पिंद्रा मुझसे दुखम सुखम के बारे में पूछ रही है। बिल्कुल जी, आपकी आपकी मर्जी हो तो मैं बोलूं कुछ उस पर। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगी आप बोले, इसलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रख दिया। तो सुखनंदन रहता है कि दुखम सुखम का जो पात्र है, प्रमुख पात्र वो है मेरी दादी, उसमें उनका नाम है, उनका नाम है विद्यावती, जो मुख्य पात्र है वो मेरी अपनी दादी है। और ऐसा था कि मेरी दादी बड़ी डायनेमिक थी और वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस समय का समाज ऐसा था कि बहुत उनके प्रति कोई लिबरल एटीट्यूड घर में नहीं था, तो वो चाहती थी जो करना, वो ऐसा था कि वो महात्मा गांधी की प्रचार सभा थी वहाँ कांग्रेस पार्टी की, जो मथुरा में भाईजी नाम के कोई व्यक्ति थे
जो गांधी जी के विचारों को पढ़ के सुनाते थे। जी उस सभा में मेरी दादी जाती थी। वहां बताया गया कि औरतों को खाली नहीं बैठना चाहिए, उनको सूत काटना चाहिए। तो हमारे घर में रुई की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे बाबा का रुई का पेच था, एक रुई का कारोबार था, एक तरफ जी अड़हत थी और एक तरफ रुई का कारोबार था हमारा। तो रुई के कारोबार में रुई बहुत थी हमारे घर में, और उस रुई को बाद में ना वो किया जाता था, उसका शोधन करते थे, तब वो साफ होती थी, तब वो जाती थी गद्दे वद्दे बनने के लिए। तो वो रुई बहुत होती थी, बोरे रखे रहते थे रुई के। तो हमारी दादी ने पहले टकली चलाई, उसका चरखा उनको फ्री में मिल गया, तो वो चरखा चलाने लगी। शुरू में मोटा मोटा सूत निकला, फिर बारीक निकलने लगा। तो हमारी दादी ने चरखे और खादी से शुरू करके तो गांधी जी के विचारों को हृदयंगम कर लिया। अच्छा, मैं छोटी थी, मैं ज्यादा समझती कुछ नहीं थी, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे घूमती थी। गर्मी की छुट्टियों में हम जाते थे, और मेरे से घर में मेरी तरफ औरतों कोई ध्यान देता नहीं था। मैं दादी की लाडली थी, दादी ने मुझे बहुत सारे पेट नेम दे रखे थे, तो मुझे जहां बच्चा प्यार देखता देखे वहीं जाता है। तो मैं बिल्कुल दादी को कभी पान लगा के दे रही हूँ, कभी दादी को बोरे में से रुई निकाल के दे रही हूँ, कभी मैं दादी से दादी कह रही है चलो टाउन हॉल जाना है आज, तो मैं दादी के साथ टाउन हॉल जा रही हूँ मथुरा में। तो ये सारे मेरे छुट्टी के दिनों के काम थे। अब ये चीजें मेरे अंदर पड़ी हुई थी, वर्षों से पड़ी हुई। जब मेरी शादी भी हो गई कई साल बाद, मैं बल्कि काफी अच्छी मेरी उम्र जब हो गई थी, मैं रवि को बताती रहती थी मेरी दादी ऐसे करती थी, मेरी दादी ऐसे करती थी। तो रवि मुझे कहने लगी कि तुम मुझे सुनाती हो, ये लिखती क्यों नहीं हो। अच्छा, उस समय मैं थोड़ी सी एक फैशनेबल राइटर थी, मैं ये मान के चलती थी कि कहानी को स्मार्ट होना चाहिए और पात्रों को भी बहुत आधुनिक होना चाहिए। वो हर एक के अंदर ये एक पाश्चात्य प्रभाव आता है, लेखक के अंदर एक दौर आता है। तो मैं सोचती थी जब तक कि आपका पात्र आधुनिक नहीं है, वो पात्र किसी के काम करे। तो जी रवि ने मुझे कहा कि तुम सब चीज छोड़कर दादी पर लिखो। तो मैंने सोचा कि ये मुझे भटका रहे हैं, और दादी पर लिखेंगे कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने ऐसे बेदिली से 4-5 पन्ने लिखे, और शाम के समय इलाहाबाद में हमारे घर बहुत लेखक आते थे, और मित्र मंडली जुटती थी हमारे घर में। तो मार्कंडे जी, भैरव जी, अमरकांत जी, ये सब हमारे घर आए। तो रवि ने कहा कि ममता कोई एक लिख रही है अपनी दादी के ऊपर, लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा इसे लिखना, ये बहुत धीमे लिख रही है, तो आप सुनिए जरा क्या लिखा है इसमें। तो मैंने वो 4-5 पन्ने पढ़ के सुनाए, तो सबको बहुत अच्छे लगे। वो कहने लगी ऐसे लिखना चाहिए ममता जी, अब क्या फैशन में लिखती रहती है। उन्होंने कहा, कहने लगे ये लिखिए आप, ये असली कहानी है। इलाहाबाद देखिए वो शहर है जो आपको बढ़ावा भी देता है और जो आपको ठंडा भी करता है। आप गलत रास्ते पर हैं तो आपको वो उसी समय शटअप कर देगा। मैं कविताएं लिखती थी इंग्लिश में, मेरी 2 किताबें हैं इंग्लिश की कविताओं की, बहुत अप्रिशिएट की गई है, अभी तक कोर्स में है मेरी कविताएं। लेकिन एक दिन अमरकांत जी ने मेरी कविताएं पढ़ी, इतना मुझे डांटा, उन्होंने कहा कि ये कविताएं शून्यवाद की ओर जा रही हैं, निहिलिज्म की ओर। क्यों लिख रही हैं आप, आपको क्या कष्ट है, क्या आप असंतुष्ट हैं अपने घर में। तो उन्होंने मेरे को मेरी एकदम असलियत दिखा दी। उन्होंने कहा फैशन के लिए असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, आप जो है वो रही है। तो आप देखिए मुझसे एक तरह से दुखम सुखम लिखवाया गया। मैं लिखना नहीं चाहती थी, मुझे बार बार लगता था बहुत पुरानी कहानियां आजादी के भी पहले से शुरू होती है, और आजादी का स्ट्रगल फिर उसमें आ जाता है ना। तो आप ये देखिए, मैं सोचती थी मेरे जन्म से भी पहले की घटनाएं हैं, और वहां से मैं शुरू कर रही हूँ कहानी को लिखना। लेकिन रवि का ये कहना था, और रवि बड़े पारखी थे, अच्छे संपादक थे ना, वो तो वो जानते थे कि कौन सी चीज आगे चल तक याद की जाएगी, कौन सी चीज क्लासिक होगी, वही जानते थे। तो उन्होंने वो ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपा, तो उन्होंने क्या किया कि इस रचना को टाइप सेटिंग में दे दिया। अब मैं उतना लिख नहीं पाती थी, रोज लौटते थे ऑफिस से तो मुझे डांटते थे कितना लिखा। मैं कहा 10 पन्ने लिखे,
कहते अरे मेरे सारे टाइपसेटर खाली बैठे हैं, तुम इतनी देर लगाओगी तो कैसे होगा काम। तो वो मेरे जबरदस्ती वो एक तरह से वो नॉवल लिखा, लेकिन हाँ जो पात्र थे वो मेरे सब जाने पहचाने पात्र थे, वो मेरी दुनिया है, मतलब उसी दुनिया से मैं आगे आई हूँ, तो मैंने अपनी दुनिया लिखी है उसमें क्या बात, सब कुछ। बहुत खूबसूरत, एक बहुत एक खूबसूरत, मेरी बड़ी बहन, एक मेरी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट, सब कुछ मेरे से आगे हर चीज में, वो उसमें आ जाती है प्रतिभा नाम से ही, प्रतिभा ही मेरी बहन का नाम है। तो मुझे मेहनत नहीं पड़ी उसे लिखने में। हाँ ये मशक्कत जरूर है कि रवि ने धकेल धकेल तो मुझे उसको पूरा करवाया, ये तो जैसे मेरी आदत है, अभी भी एक नॉवेल अधूरा पड़ा हुआ है, अब मुझे अब कोई धक्का देने वाला रहा नहीं इतना, तो अब मैं जरा धीमे धीमे लिखने लगी हूँ। लेकिन पहले ही होता था, किसी ने किसी का दबाव होता था, प्रकाशक भी पहले ऐसे होते थे, बार बार फोन करके पूछते थे ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अच्छा लगता था। एक लेखक देखिए ये तवज्जो भी चाहता है, अगर वो कुछ लिख बिल्कुल रहा है, और अगर दो दोस्त भी मिल गए उसे ऐसे जो कहते हैं अच्छा उसका क्या हुआ, तब इज्जत का सवाल हो जाता है कि इसको तो सही, पूरा करने करना है ना। बात तो सही, बात सही, फिर ये है कि कुछ प्रतिभा आपको धकेलती आगे, और कुछ पराक्रम, और कुछ क्या मित्रवंडली, सब मिलकर बात, आपको धकेलते हैं, तब एक रचना क्या पूरी होती है। बहुत खूबसूरत बात। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स हो चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से भारती रैना जी जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नाम है, मीडिया में एक बड़ा नाम है। भारती जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभा जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी से ताल्लुक रखती हैं। सुकंदन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी से हैं। संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजुला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मंजुला जी लिखती हैं, बहुत ही प्यारी आपकी बातें और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज। और भारती रैना जी लिखती हैं कि आपकी दादी जी को हमारा नमन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक ममता जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, उनकी सभी कविताएं बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनकी एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो जरूर बोलना चाहूंगी। इससे रिलेटेड मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारे बिना, तुमसे मिले बिना इतनी लंबी राह चली, सड़क का परला हिस्सा दिखने लगा, इस लंबी अवधि में जीती रही ऐसे जैसे कभी कभी बिना धूप फूल खिल लेता है, जैसे कभी कभी बिना नग कोई अंगूठी पहन लेता है। बहुत ही खूबसूरत कविता है आपकी। मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, जिस तरह से आप सर की बात कर रहे थे, आप उनको मानती रही हैं, रविंद्र कालिया जी को मानती रही हैं, उनसे जुड़ी कोई खास बात, जाहिर सी बात है यादों का खजाना होगा आपके पास, लेकिन कोई बहुत खास चीज, जो बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कहाँ मिली उनसे, कैसे मिली? मिले तो हमें गोष्ठी में, एक साहित्य गोष्ठी में मिले थे, और बड़े बड़े दिग्गज उसमें थे, जिसमें सबसे कम उम्र की और सबसे नौसिखिया मैं ही थी। ये सन जनवरी सन 65 की बात है, चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखी थी। इंद्रनाथ मदान तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज की कहानी पर एक पेपर पढ़ना है। तो मेरे पापा बड़े खुश हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम देखकर, वो कहने लगे कि पापा बोले तुम जरूर जाओ इसमें। मैं तब दौलतराम कॉलेज में लेक्चरर थी इंग्लिश की, तो मैं बस से चली गई चंडीगढ़, और अगली सुबह 10 बजे कहानी सवेरा नाम से 30 जनवरी को वो गोष्ठी हुई। तो उसमें मैंने वो अपना पर्चा पढ़ा, और डॉक्टर नामवर सिंह गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। तो नामवर जी ने मंच पर कहा कि आज का सबसे अच्छा पर्चा ममता अग्रवाल का था, मेरा सर नेम अग्रवाल था। हम तो फूल का कुप्पा हो गए इस बात पे, हमने कहा हमें तो अब जैसे पुरस्कार मिल गया, नामवर जी से हमें सराहना मिल गई। नवीन कालिया वहां मौजूद थे मंच पर, इन्होंने भी कुछ कहानी की प्रामाणिकता के बारे में कुछ बोला था, तो ना इन्होंने मुझसे बात की ना मैंने इनसे बात की। हाँ मैं इनकी कहानियां पढ़ चुकी थी, वो मेरी दो मेरी कविताएं पढ़ चुके थे, और वो लगातार कमलेश्वर और मोहन राकेश से बात करते रहे क्योंकि तो वो उनके मित्र थे, और मैं अनीता औलख, अनीता राकेश जो थी, अनीता राकेश और अनामिका से बात करती रही। एक तरह से विभाजन हो गया,
लड़कियां लड़कियों से बात करती रही, लड़के लड़कों से बात करते रहे। लेकिन जब शाम को हम वहां से चले अमेरिका, मैं तो जाऊंगी, मैं तो कॉलेज से छुट्टी नहीं लेकर आई। सबने कहा रुक जाओ, शाम को तुम्हें झील दिखाएंगे, सुखना झील। मैंने कहा नहीं, मैं छुट्टी लेकर यहाँ, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं बस के लिए जब चली, तो जब बस में बैठी तो मैंने बस में गई तो मैंने देखा कालिया जी वहाँ पहले से बैठे हुए बस में। वो कह लेंगे मुझे भी दिल्ली जाना है, और कहीं जगह नहीं थी तो मुझे उन्हीं के पास बैठना पड़ा। अब मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ये आदमी पूरे दिन मुझसे बोला नहीं, और अब इसकी हिमाकत देखिए कि मेरे साथ दिल्ली जाना चाहता है। बस तभी नोक झोंक होती रही हम लोग की। वो मुझे चढ़ाते रहे कि आप सिर्फ कविता वविता लिखती हैं, और जो ये वविता शब्द उन्होंने बोला कविता के साथ, तो हमारा तो खून खौल गया इस बात से। हमने कहा ये कविता को तो कोई चीज नहीं समझते। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि अब इनको कहानी लिख के दिखाते हैं। इसलिए मैं कहानी की ओर शायद ज्यादा गंभीरता से बढ़ी। मैं क्या जरा इस कहानीकार को हम भी कहानी लिख के दिखाए, ये था। लेकिन दिल्ली तक आते आते फिर हम लोग की दोस्ती हो गई, और फिर उस दिन क्या ऐसी घटनाएं कुछ हुई जिसमें और निकट आ गए हम, और फिर हम लोग कनॉटलेस में मिलने लगे। तो दोस्ती थी, और दोस्ती बड़ी रफ्तार के आगे बढ़ी, प्रेम हुआ और उन्होंने प्रपोज किया, और बस फिर साल भर के अंदर हमारी शादी हो गई। छोटी छोटी सी प्रेम कहानी थी पर बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़े हैं। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। दीपा जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गायिका हैं बहुत बड़ी, और आकाशवाणी से जुड़ी बहुत। रक्षा गीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, प्रतिभा जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभा जी ने एक सवाल पूछा है आपसे, वो मैंने आपके स्क्रीन पे जी। देखिए प्रतिभा जी, वाकई में आत्मकथा एक जमाने में देखिए बहुत प्रामाणिक मानी जाती थी। हम लोग आज भी जब एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते उसमें एक एक अक्षर सही है। इसी तरह कमला दास की मेरी कहानी जब छपी थी तहलका मच गया था उस समय, उनकी आत्मकथा है। लेकिन इधर कुछ ऐसा हो गया है कि लिखने वाले भी तो शातिर हो गए। अगर पढ़ने वाले शातिर हैं तो लिखने वाले भी उतने शातिर हो गए। तो अब धीरे धीरे ये हो गया है, आत्मकथा में लोग सिलेक्टिव ट्रुथ देते हैं, मतलब चुन लेते हैं ये घटना देनी है ये घटना नहीं देनी। यानी जिस घटना में आप नायक हैं वो तो आपने दे दी, और जिस घटना के आप खलनायक हैं या प्रतिनायक हैं उसको छुपा दिया। आप नाली में कब गिरे थे आपने नहीं बताया, आप जब पहाड़ पे चढ़े आपने बता दिया। तो आत्मकथा में अगर आप पूरे होशो हवास को लिख रहे हैं तो सिंसियरिटी है कि नहीं ये पाठक ताड़ जाता है, वो जान जाता है कि ये रंगीन सत्य है, रंगीन यथार्थ, और एक होता है खालिस यथार्थ। तो देखिए प्रतिभा जी, यही है कि सबसे ज्यादा इसमें यही होता है कि हम आत्मकथा लिखने में कई बार अपने को बचा ले जाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं, झाड़ियों में डालते जाते हैं, दूसरों को कांटों में डालते जाते हैं कि जैसे हम तो दूध के धोले हैं, बाकी सब जो है वो अपराधी है। ये आत्मकथाओं का एक बड़ा भारी विसंगतिया कहना चाहिए करुण यथार्थ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। यहाँ एक चीज और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से मैं ये अक्सर सवाल अक्सर पूछती हूँ और बहुत बार पूछती हूँ, जैसे अगर हम मंटो की बात करते हैं तो मंटो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर। उनको कहते थे कि मैं कहीं भी बैठ के अफसाना लिख सकता हूँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं कहीं भी बैठ के अफसाना लिखता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप क्या कहेंगी कि लेखन के लिए बाहरी एकांत या आंतरिक एकांत, क्या कहेंगी, क्या जरूरी है?
नहीं, लेखन मेरा भी मंटो वाला हाल है, मैं कहीं भी बैठ के लिख लेती हूँ, अरे कभी वाह, लेटे लेटे, कभी लेटे लेटे लिख लेती हूँ, कहीं जगह ना मिले तो मैं रसोई में लिख लेती हूँ, समझे ना, मैं कहीं भी बैठ के लिख सकती हूँ, मतलब मैं ट्रेन में भी लिख लेती हूँ बैठ कर। तो मैं ये मानती हूँ कि जन्मजात लेखक जो है ना, वो चाहे जेल में हो चाहे रेल में, वो लिख सकता है। क्या बात, आपके पास इतना मैटर है लिखने के लिए, इतना हमारे चारों ओर घटित हो रहा है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, दुनिया रोज रोज बदल रही है। कौन है जो कहता है कि दुनिया नहीं बदलती? अरे दुनिया रोज बदलती है। तो इतनी चीजें हमारे आसपास है लिखने के लिए, हम इस सारे तो बल्कि लिख ही नहीं पा रहे। मैं कहूंगी हमारी कलम कम लिख रही है, घटित ज्यादा हो रहा है। तो मैं आज भी ये मानती हूँ मंटो की तरह, और जो कहते हैं ना लिखने के लिए हमें एयर कंडीशन कमरा चाहिए, हमें पहाड़ पे डाक बंगला चाहिए, कई लेखक है डाक बंगले में जाके लिखा करते थे एक जमाने में लोग, सब फ्रॉड है, सब धोखा है। आप नहीं लिख सकते तो वहां जाके भी नहीं लिखोगे, सही या बात, लिख के कूड़ा लाओ, वहां से कूड़ा लिख के लाओ। और जिसको लिखना है वो घर की काठ की टेढ़ी कुर्सी पर बैठ के भी लिख सकता है बहुत खूबसूरत ना। बात कही, बहुत बिल्कुल, अमृतलाल, अमृतलाल नागर एक तखत पर बैठते थे, दो मसनत लगा लेते थे अपने नीचे, आधे लेटे हुए लिखा करते थे। बाद में जब उनकी आंखें खराब हो गई तो वो बोल के लिखते थे। और उनका बोला हुआ एक हिंदी के बहुत अच्छे लेखक और पत्रकार थे अवध नारायण मुद्गल, वो डिक्टेशन लेते थे, वो इसी तरह लेखक बन गए उनके सानिध्य में। क्या बात, तो देखिए लिखने वाला जो लिखता है ना वो कहीं भी लिख सकता है। ये क्या कहना बात, बिल्कुल गलत है कि एक खास माहौल चाहिए। हाँ वो ठीक है कि आपको कम से कम इतना तो चाहिए कि एक कागज रखने लायक जगह हो आपके पास, और मुझे तो साफ सुथरे कागज होने चाहिए, रीम के रीम कागज मैं खरीदती रहती हूँ। और कई बार मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे एक रीम कागज और एक डस्टिन पेन दे दे तो मैं उसे लिख के दे दूँ नॉवल, मैं ऐसा सोचती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ ममता कहिए तुम तो अजब मूर्ख हो, टोटल इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 600-700 रुपये का और तुम नॉवल लिख के बहुत ही आनंद दे है, दो। बहुत खूबसूरत ये जानना कि आप खुद एक तो बहुत जानी मानी लेखिका तो है ही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपको बहुत गहराई से छुआ है, हिंदी साहित्य की ऐसी कौन सी किताब जिससे बहुत जुड़ाव है। जिसने बहुत गहराई से छुआ है, आपके मन को छुआ है? जी अच्छा गहराई से छुआ है जिससे हिंदी में, जी हिंदी की ऐसी किताब, देखिए दो एक किताबें हैं मुझे आज भी याद है, जब मैंने नागार्जुन का उपन्यास बलचंद्मा पढ़ा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह से जब मैंने चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का पढ़ा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जो उसकी फिल्म बनी वो भी मैंने देखी और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि एक देवदासी भी तो अपनी तरह से सफर करती है ना, जो उसमें पंक्ति आती गाने में कि ये वो भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारो क्या जानो। तो त्यागी आदमी अपने को बहुत महान समझता है, जबकि जो बेचारा भुगत रहा है वो भी उतना ही महान है, क्योंकि वो बेचारा सारी चीजों को झेल रहा है। इसी तरह से एक और रचना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, रेणु जी का उपन्यास था मैला आंचल, मैला मेलांचल जी, आंचल परेश्वर जी नाथ मैं रेणु जी का, उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद है, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, तीसरी कसम मतलब मारे गए गुलगाम गुलफाम है ना, और उनकी दो एक कहानियां और बहुत अच्छी है। तो ये पंचलेख,
उनकी कहानी, कई बार वंचित हुई है वो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते रेणु, मुझे बहुत अच्छे लगते, जबकि कई बार उनके शब्द मुझे समझ नहीं आते, तब मैं डिक्शनरी लेती हूँ या किसी मिथिला के व्यक्ति से पूछती हूँ उसका मतलब पूछती हूँ। इसी तरह एक और उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा था सुरेंद्र वर्मा का, मुझे चांद चाहिए। पहली बार उन्होंने बताया था एक लड़की की महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने, वर्षा वशिष्ठ उसकी नायिका, वो किस तरह से आगे बढ़ती है सारी मुसीबतों को चुनौतियों को झेलते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचती। मुझे इस तरह की रचनाएं अच्छी लगती है जहाँ कुछ लड़कियां हासिल करती हैं, मुझे पराजय वाली रचनाएं अच्छी नहीं लगती। मुझे हमेशा ऐसी रचना अच्छी लगती है जिसमें लड़की अगर मरे भी तो जूझते हुए मरे, हम कम से कम लड़की के तेजस्विता तो दिखा दे, है ना, ये बहुत जरूरी है। इतने वो मोर्चों पर लोग औरत मारी जा रही है, हम लोग के आंदोलन फेल हो जाते हैं, हम लोग को दबा दिया जाता है, हम लोग को चुप कर दिया जाता है। हमारे पास कागज है, हमारे पास कलम है, हमारे पास ये शक्ति है, हम लिख के छोड़ जाएंगे, आने वाली सदियां हमको पढ़ेंगी तब उन्हें पता चलेगा। जैसे कि मीरा को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि मीरा ने कितना विद्रोह किया था, हम अपना विद्रोह कागजों पे लिख कर जाएंगे। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत बात ममता जी आपने कही। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आप ही का लिखा हुआ है, आज खुश हो खुद से तुम से, ये श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, ममता जी का ही लिखा हुआ है, मैं अपनी आवाज में पढ़ रही हूँ, आज खुश हो खुद से तुम से सबसे लिख नहीं पाऊंगी, सच इतना खूबसूरत भावों का धागे में बुनी हुई आपकी कविता है जो वाकई दिल को छू लेती है। आप ही कोई ऐसी कविता जो आप हमें सुनाना चाहें इस वक्त, थोड़ा सा जरूर आपको जरूर सुनाती हूँ मैं अपनी कविता एक। मनु एक मिनट के बाद अच्छा मैं ऐसी मन से सुना देती हूँ आपको। जी नहीं एक ही आ रही है। अच्छा ऐसी सुना देती हूँ आप सबसे मन से ना। पढ़ा लिखा कुछ काम ना आया, जीवन बीता चम्मच चम्मच, पढ़ा लिखा कुछ काम ना आया, जीवन बीता चम्मच चम्मच, सोच विचार विमर्श त्याग कर जीवन रीता चम्मच चम्मच, चूल्हे ने बहकाया हमको, मालम ने बहकाया हमको, खड़ी दीवारें परंपरा की, सच और सत्य के लट्टू लंबित, अब हमने सिर्फ तान लिया है, मन में निश्चय ठान लिया है, अपनी मर्जी आप जिएंगे, नहीं किसी की बात सुनेंगे, जीवन की रसधार पिएंगे, चषक उठाकर ओक लगाकर, नहीं चाहिए हमें कृपाएं, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विमेन एमेंसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट की है जो आपने नई बात कही, वाकई बहुत खूबसूरत। रंजना रैना कॉल हमारे साथ जुड़ी है, लिखती हैं हमने आपसे दौलतराम कॉलेज में अंग्रेजी भी पढ़ी है। अरे अच्छा अच्छा हां बिल्कुल ठीक कह रही हैं, समय थी वहां बिल्कुल ठीक कह रही हैं रंजना, वाह मेरे स्टूडेंट हैं क्या करती हैं आप रंजना? इन्होंने लिखा नहीं, बस यही लिखा है इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, अभी यही लिखा है इन्होंने कुछ आंसर। हां मैं पढ़ाती थी उस समय इंग्लिश, पढ़ाती थी हिंदी लिखती थी। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगमंच से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए
बहुत शुक्रिया नादरा खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अध्यापिका हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरी हेलो, सबको प्यार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ, हो सकता है मैं कुछ नाम ना पढ़ रही हूँ क्योंकि एकदम से स्क्रॉल हो रहे हैं। भविता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखनंदन जी एक बहुत खूबसूरत सवाल लिखा है, ममता जी आप इतनी कैसे रह लेती हैं? मेरे ख्याल है इसलिए क्यों, मुझे लगता कि अच्छा जीवन जिया। देखिए जम के समझिए कि एक कॉलेज को बनाया, पैरों पर खड़ा किया और उसको ठीक सुंदर बनाकर छोड़ा है ना, पूरी नौकरी करके अपनी जीवन ने बहुत बार उखाड़ा, ये हमने हार नहीं मानी, अंततः हमने अपना कोई कोई रास्ता निकाला और लिखने से कभी नाता नहीं तोड़ा। मुझे लगता है कि पढ़ने और लिखने ने तो बहुत अच्छे सहारे दिए जी। वो ठीक है कि जीवन साथी का प्रेम था, बच्चों की समझदारी थी, बच्चे बाहर शैतानी नहीं करते थे, घर में आकर मुझे लिखने देते थे, तंग नहीं करते थे। और रवि जो थे वो मेरी क्रिएटिव जरूर से पहचानते थे, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते थे। लंबा चौड़ा घर था हमारा पुराने किस्म का इलाहाबाद में, वो जिस कमरे में लिखते थे वो मेरे कमरे से बहुत दूर था, तो हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते थे कभी। आज तक कभी उन्होंने जिज्ञासा नहीं की कि वो पढ़े मैंने लिखा हुआ, मैंने कभी आज तक उनकी कॉपी नहीं खोली। तो हम लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे को स्पेस देते थे। और आजकल मैं देखती हूँ कई बार ये होता है, आधुनिक लोग भी रात के समय अपनी वाइफ का फोन चेक करते हैं कि किस किस से मैसेज आए। हमारे यहाँ ये कभी हुआ ही नहीं। वो ठीक है कि उस समय इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट बहुत बाद में आया, लेकिन हमारे घर में जासूसी नहीं थी, जरा कोई किसी की जासूसी नहीं करता था, सब अपने अपने तरीके से बड़े हो रहे थे और सब अपने अपने तरीके से बिताते थे समय, और कोई किसी के लिए ज्यादा नहीं करता था। क्योंकि मैं इतनी व्यस्त रहती थी कॉलेज से पूरे समय की नौकरी करने के बाद, फिर किसी गोष्ठी में चली जाती थी मेरी और कुछ तो बच्चों को लेके घूमने के लिए चले गए, तो समय नहीं होता था, कभी पिक्चर देखने चले गए, कभी शॉपिंग पर चले गए, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं रवि की जासूसी करूँ। अक्सर वो जोड़े बहुत दुखी रहते हैं जो एक दूसरे की जासूसी करते हैं। कोई मुझे बातें कहता भी था, कोई मुझे कहता था रवि बहुत शरारती है, आपको पता नहीं कितनी शरारती करते हैं। मैंने कहा बाहर करते हो जो शरारत करते हो वो मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्रति वो सच्चे हैं, इतना मैं जानती हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा लेट गो भी करना चाहिए जीवन में, आप प्रसन्न रहने का यही तरीका है, सकारात्मक रहने का भी यही तरीका है ना। और हाथ में चढ़ते रहना, तोड़ते रहना, किसी पुरानी व्यथा को याद करना, कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा हुए, अरे सभी के मुश्किल से पैदा होते हैं। अब पुरानी तकलीफों को ना रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनके पीछे पढ़ नहीं जाना चाहिए, जो छोटी छोटी तकलीफें होती हैं भूल जाना चाहिए, दरकिनार कर रहे हैं। औरतों को बहादुर औरत नहीं रखे, कहने का मतलब ये है ना, तभी आप सकारात्मक रह सकते हैं। Very true. रक्षा गीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभी हाल ही में आपकी लघु लड़कियों पर बात हुई आपसे। अच्छा। बहुत कुछ रक्षा गीता लिखती हैं, लेक्चरर हैं, लिखते हैं कि सिंपलिसिटी इज हर यूएसपी। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही और बिल्कुल सही बात कही। ममता जी चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो भी युवा लेखक हैं, जो लेखन के क्षेत्र में उनका पैशन है लिखना, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, जो भी युवा हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे बहुत आशाएं हैं और युवा लेखन बहुत अच्छी तरह से इस काम को अपने हाथ में लिए है और वो बड़ी तबीयत से कर रहे हैं इस काम को। कई लेखक तो ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर युवा और पूरे समय लेखन में लगे हुए हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज लेखन को उन्होंने एक वोकेशन और एक प्रोफेशन बना दिया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए नौकरी करनी पड़ती, तब लेखन से इतनी आमदनी भी नहीं होती थी,
और आमदनी के लिए लिखते नहीं थे, आज भी नहीं लिखता है, आमदनी के लिए कौन लिखता है। और जो आमदनी इससे होती है ना, वो रुपया ने पैसे से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। वो है सुख और खुशी। हम अगर दो पेज लिखने हैं तो बड़े चैन से सोते हैं, आज का दिन सार्थक, आज हमने समय नष्ट नहीं किया है ना। तो युवा लेखन नहीं, क्योंकि आज बहुत अच्छा है, बहुत नए तरीके से लिख रहे हैं, भाषा का भी प्रयोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं वो लोग, पर थोड़ी सी एक कमी उनके अंदर है कि वो मास्टर्स को पढ़ते नहीं। देखिए, जब तक हम पूर्ववर्ती मास्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि उनके शक्ति बिंदु क्या है और उनकी सीमाएं क्या है। उन दोनों चीजों को जानने के लिए हमें सबसे पहले मास्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज भी मानती हूँ मैं कि टॉल्स्टॉय ने जो युद्ध और शांति उपन्यास लिखा, वॉर एंड पीस, उसमें कितने ही पृष्ठ उससे एडिट किए जा सकते, डिलीट किए जा सकते, कितना हमारे ऊपर उन्होंने वजन डाल दिया है। अरे, हम इतना युद्ध का जानकर क्या करते हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल गए, अब उस युद्ध को जानकर क्या करें। मैंने तो ये किया था, जब मैंने पढ़ा था पहली बार तो प्रेम वाले पोर्शन तो सारे पढ़ लिए, नताशा और लेवन वगैरह, और बाकी मैंने छोड़ दिया युद्ध वाले। तो देखिए कितनी होता है, पाठक अपने आप संपादन करता चलता है ना। तो यंग लोगों को थोड़ा मास्टर्स को पढ़ना चाहिए और थोड़ा अपने पूर्ववर्तियों को भी पढ़ना चाहिए, ताकि पता रहे कहाँ तक की यात्रा हो चुकी, उसके आगे लिखना होगा। क्योंकि केवल स्टाइल के भरोसे हम बहुत दूर की यात्रा नहीं कर सकते। स्टाइल इज इम्पोर्टेंट बट कंटेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो कंटेंट कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये बात है, ये बहुत अच्छा लिख रहे नए लोग, मारती हूँ सब, देव प्रकाश दुबे, सत्या व्यास, मैं चेतन भगत, मैं सबको पढ़ती हूँ, सब अविनाश शर्मा, इरा टाक, ये जितने नए लोग हैं, अंकिता जैन, जितनी नई पीढ़ी है, मैं सबको पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो क्या लिखते हैं। तो उनको भी हमें पढ़ना चाहिए कि उन्हें पता चले कि हम क्या लिखते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये तो आदान प्रदान है। बिल्कुल है। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। प्रतिभा जी लिखती हैं बहुत सार्थक चर्चा। रश्मि शर्मा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ममता जी, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला और आप काजल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जिंदा दिली मेरे दिल को छू गई, और सभी को मेरा बहुत प्यार और सेवा नमस्कार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू।